गाइस, मैं खुशरू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। महिला इंस्पेक्टर के जज्बे को सलाम, खेत में पड़े लावारिस मृत शरीर को कंधे पर उठा के ले गई। चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर नजर डालते हैं और इस सब इंस्पेक्टर को हमारे चैनल की तरफ से हम सैल्यूट करते हैं। जिस तरीके से उन्होंने अपना जज्बा दिखाया है वो काफी ज्यादा सराहने वाला है। चलिए, पूरी अपडेट के लिए मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अक्सर आप लोग पुलिस के बारे में काफी सारी चीजें सुनते और पढ़ते रहते हैं। इस दौरान ही हमारे सामने जब एक्चुअली में इतनी बड़ी विपदा आ गई थी, यानी कि मैं बात कर रही हूँ COVID-19 की, कोरोना वायरस की, जैसे ही ये हमारी जिंदगी में एंटर किया तब सब चीजें लॉक हो चुकी थी, यानी कि लॉकडाउन हो चुका था। इस दौरान ही कोई एक दूसरे के पास तक नहीं जा रहा था, पर उस दौरान ही पुलिस की जो इतनी ज्यादा कामयाबी थी, जिस तरीके से उन्होंने इस सिचुएशन को हैंडल किया और उनकी वीडियोस फोटोज लगातार वायरल हो रही थी, तब उस दौरान ही लोग भी काफी ज्यादा इमोशनल हुए और वो लोगों ने हमेशा पुलिस को काफी ज्यादा सराहना दी। इस दौरान ही आंध्र प्रदेश से हमारे सामने सब इंस्पेक्टर शिक्षा का मामला सामने आया है। शिक्षा जो है वो एक्चुअली में उन्होंने एक बहुत ही कमाल का काम किया है, एक बहुत ही दिल छूने वाला काम किया है। आंध्र प्रदेश में सब इंस्पेक्टर एक खेत में गई थी जहां पर एक लावारिस बुजुर्ग की लाश थी और वहां पर जो लोग वहां पर खड़े थे उन्होंने उस लाश को उठाने का नहीं सोचा। इस दौरान ही शिक्षा जो सब इंस्पेक्टर थी उन्होंने उस लाश को कंधे पे उठाया और 2 किलोमीटर तक खुद चल के गई उनको उठा के और वहां पर संस्कार भी किया। आंध्र प्रदेश के जो पुलिस डिपार्टमेंट है उनके जो ऑफिशियली ट्विटर अकाउंट है वहां पर शिक्षा के बारे में बताया गया है और ये फोटोज और वीडियोस शेयर की गई है और वो भी अपने इस सब इंस्पेक्टर महिला के कारण काफी ज्यादा गर्व महसूस कर रहे हैं। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।